जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें थीं, जिस तरीके से इंगित किया गया था कि अल्पसंख्यक आज़ादी के इतने सालों बाद भी कहाँ पर खड़ा है, उसके हालात को सुधारने की ज़रूरत है। कागजों में ठीक है, रिपोर्ट भी सच्चाई को इंगित करती है, लेकिन क्या चुनावी मौसम में अल्पसंख्यक समुदाय का जो मतदाता है इसके आधार पर वोट देगा, या उसके जहन में कुछ और सवाल चल रहा होगा? बिल्कुल वाजिब आपने सवाल किया है। इससे जुड़ा हुआ एक आंकड़ा मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये कितना कारगर साबित हो सकता है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, सच्चर कमेटी की चर्चा कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट किस तरह का मुसलमानों का होना चाहिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने 2013 में पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 67% साक्षरता है उत्तर प्रदेश की, और इसके बनिस्पत, इसके अगर एवज में देखा जाए तो जो मुस्लिम जो साक्षरता प्रतिशत है वो 37% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। इसीलिए आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से धर्म के नाम पर वोट को पोलराइज करने की बात की जाती है, या धर्मगुरुओं के माध्यम से एक संदेश लेने का प्रयास किया जाता है, तो क्योंकि मुस्लिम जो तबका है उसमें साक्षरता की कमी है, इसी का फायदा उठाया जा सकता है जाता है। और जो अब पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो बार बार सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं। एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक पब्लिश हुई थी रिपोर्ट, जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में और उसका नाम था आ रिव्यू ऑफ सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिंस 2006 रिकमेंडेशन का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अभी भी मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बात इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की जरूरत है मुझे लगता है, इन सब मुद्दों पर कि साक्षरता का प्रतिशत क्या है, विकास के लिए कितनी बात कारगर की गई है, क्या उनके इलाके में डेवलपमेंट किया गया है, क्या मुसलमानों को जो तकनीकी शिक्षा देने की बात की गई है वो शिक्षा दी गई है कि नहीं दी गई है। इन मुद्दों पे आपने देखा होगा कि सियासी दल चर्चा करते नहीं दिखते हैं, इन मुद्दों पर मीडिया में चर्चा होती है, या कुछ बुद्धिजीवी जो मुस्लिम तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो चर्चा करता है, लेकिन मोटे तौर पर जो मुसलमानों का वोट पोलराइज करने की कोशिश की जाती है वो या तो सांप्रदायिकता की बात करके या धर्म की बात करके पोलराइज करने की बात की जाती है। इसीलिए जो अभी फिरंगी वाली साहब ने बात कही थी कि इन या सिराज वाली से जब चर्चा हो रही थी तो ये बात सामने निकल कर आई कि इन लोगों को तभी याद क्यों आती है जब चुनाव पास में आते हैं। जब चुनाव पास में आते हैं तभी धर्मगुरु इसलिए याद में आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो धर्मगुरुओं के पास जाएंगे तो वहां से एक मैसेज मिलेगा और मुस्लिम सबका एक वोट कर देगा इनको जाके। चलिए श्रेय, जिस तरीके से आपने पूरे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसको उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किस तरह से लागू करने की कोशिश की है, जमीनी हकीकत पर कहां तक वो लागू हो पाई हैं, साथ ही आपने ये भी समझाने की कोशिश की कि सच्चर कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर मतदान होगा या फिर पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जाएगी, तो आपने सब जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम अब सुनवाने की कोशिश करते सीधे ले चलना चाहते हैं आपको इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद के जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका क्या मिजाज है, वो क्या सोचते हैं इस तरह के सियासत के बारे में। तो नजर डाल लेते हैं कुछ खबरों पर इस पर। ये बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि ये हमारा मताधिकार है, हम और हम जैसे चाहें वैसे हम निष्पक्ष होकर के अपनी सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं इस भारत देश में। हमारे मराय से तो ये होता है कि इस मौलाना को या किसी भी चीज़ को इसके देश इलेक्शन के बारे में कोई तरीके जोड़ना नहीं चाहिए, ये तरीका कोई सही नहीं। धर्म का काम है, इलेक्शन काम है, किसी से कोई राय लेने का कोई जरूरत न, कोई को किसी को राय देना चाहिए इसमें। मौलाना और पंडित का काम है, धार्मिक लोगों का काम है कि वो अपने धर्म में अपना व्यस्त रहें और अपने लोग जो गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का काम करें, और नेता जो कर रहे हैं वो अपना काम करें। फिरका परस्ती के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर वोट मांगना किसी जात के, ये चरम अवसरवाद होता है जिसको टाइम टू टाइम सभी पार्टियां अपने अनुसार काम करें, ये ठीक नहीं है। ये तो थी इलाहाबाद के लोगों की राय, लेकिन आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ही नहीं, बीएसपी में भी इस बात की होड़ मची है कि कैसे अल्पसंख्यकों को रिझाया जाए, अपने पाले में उन्हें मिलाया जाए। इसीलिए सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कल्बे जब्बाद से भी मुलाकात की, साथ ही जो रावे हसन नदवी साहब हैं, नदवा कॉलेज से संबंधित हैं, उनसे भी मुलाकात की। कोशिश सिर्फ इतनी थी कि किसी भी तरह से वो उनके समर्थन की अपील कर दें, लेकिन अपील तो नहीं हुई, लेकिन आशीर्वाद मिला। साथ ही उन्होंने बाहर आकर के कुछ जो अल्फाज रखे हैं, हम चाहेंगे कि हम आपको सुनवाएं कि आखिरकार जब मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद जो बात निकली उस पर सतीश चंद्र मिश्रा क्या कहते नजर आए।
चूंकि हम लोग मिशन की तरह से लड़ रहे हैं तो इनका साथ और इनके लोगों का साथ, कौम का साथ, सभी का साथ हम लोगों को मिले, इसका भी हम लेने गया है। क्योंकि एक इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल फैसला करने के खिलाफ है कि इंडिविजुअल, एक आदमी थे अहमद बुखारी साहब ने फैसला करके ऐलान कर दिया तो उसको हमने मुखालफत इसीलिए की कि भाई अगर आपको फैसला करना ही है तो आप लोगों को और कॉन्फिडेंस मिल लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। तो आप आए हैं यहाँ पर, लिहाजा हम अभी अपने जो उलमा है उनसे बात करते हैं, जो कौम के जिम्मेदारों से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम कोई अपना ऐलान। भाई दुआ तो हमारे, क्योंकि आप हमारे पहले आदमी हैं जो हमें, हम लोग खैरियत लेने आए हैं, देखने आए हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारा बहुत। चलिए, यहाँ सतीश चंद्र मिश्रा जी कहते नजर आए कि जब इनका साथ मिलेगा तभी तो अपना विकास होगा। और साथ ही आपने देखा कल्बे जब्बाज साहब को कि अपना जो कार्ड है खोल के रखना चाहते हैं, वो बुखारी साहब की तरह नासमझ नहीं है कि एक पार्टी को समर्थन दें, इसलिए शायद उन्होंने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं कि हर पार्टी आए, हर पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे और फिर वो मन मुताबिक जिसको समझ में आए उसको अपना समर्थन दें, उसे अपना स्नेह दें, उसे वो अपना आशीर्वाद दें। ये तो था कल्बे जब्बाज साहब और सतीश चंद्र मिश्रा के बयानों का कुल लबोलुआब।